पाकिस्तान के लिए जयशाह एक ऐसा नाम बन चुका जो भाई बिल्कुल भी सांस नहीं लेने देता पाकिस्तान को, एक जगह डिसाइड होती नहीं, अपना अलग तुरप का इक्का फेंक देता और पाकिस्तान को भाई अपने ही गड्ढे में गिरा देता है। भाई एशिया कप 2023, बहुत सारी उम्मीदें थी कि भाई ऐसा होगा, एशिया कप 2023 वैसा होगा, पाकिस्तान के अंदर होगा, दुबई में होगा, श्रीलंका में होगा, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन एंड में जाके भाई श्रीलंका के अंदर एशिया कप 2023 हुआ। लेकिन भाई सब क्या ही हुआ, लगातार ये बारिश की भेंट चढ़ता जा रहा है मुकाबला और कहीं ना कहीं श्रीलंका के मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठने लगे। उसके बाद जब दो मुकाबले लगातार बारिश से स्थगित हुए, भारतीय टीम का जो पहला मुकाबला वॉश आउट रहा, दूसरे मुकाबले के अंदर भी बारिश ने बहुत ज़्यादा खलल डाला, लेकिन फिर भी रिजल्ट आए, भारतीय टीम ने मुकाबला जीता और आने वाले जो मुकाबले हैं एशिया कप 2023 के सुपर फोर से जिसके उनके अंदर भी यही उम्मीद है कि आपको लगातार बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद से क्या कुछ हुआ, भाई हुआ ये कि यहाँ पर अनुरोध करने लगे भाई एसीसी प्रेसिडेंट जयशाह से कि भाई आप एशिया कप 2023 के बचे हुए मुकाबले कहीं और करवा लो, पाकिस्तान के अंदर करवा लो, कुछ करवा लो। लेकिन भाई साहब जो खबरें आई थी कि हम्बनटोटा में होगा, कोलंबो में होगा, कहीं पल्लेकेले में हो जाएगा, गोल के अंदर हो जाएगा, दम्बूला में होगा, भाई इन सभी बातों को खारिज कर दिया है जय शाह ने। बोला है जो जैसा प्लान है वैसा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एशिया कप 2023 के वेन्यूज के अंदर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज ऑफिशियल नहीं है भाई, एक पाकिस्तानी चैनल समा न्यूज ने इसको ट्वीट कराया, ये जानकारी दी है, लेकिन हाँ जैसे ही भाई ये खबरें ऑफिशियल होंगी आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल भाई जैसा अपने बातों से टस से मस नहीं हो रहे हैं, अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जिद, कहीं एशिया कप 2023 को गंवाना ना पड़ जाए, एशिया कप 2023 पूरा बारिश की भेंट ना जाता हुआ नजर आए, क्योंकि भाई 10 तारीख को जो मुकाबला है वहां पर भी हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद की जा रही है। और इसके लिए अच्छी बात यह कि एक रिजर्व डे भी रखा गया, अगर आपको 10 तारीख को मुकाबले के अंदर बारिश दिखती है तो 11 तारीख का एक रिजर्व डे रखा गया कि अगर 11 तारीख को अगर 10 तारीख को अगर बारिश हुई तो 11 तारीख को भी मुकाबला देखने को मिल सकता है। खैर देखने वाली बात होगी आने वाले मुकाबलों के अंदर क्या होगा। एशिया कप 2023 बड़ा एक्साइटिंग चल रहा है जहां पर भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम दोनों ही सुपर फोर के स्टेज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कहीं ना कहीं जो फाइनल की जंग होगी वो बहुत एक्साइटिंग होगी। भाई कौन सी दो टीम होगी जो एशिया कप 2023 का फाइनल खेलेगी, आने वाला वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, हम सब चाहेंगे भाई भारतीय टीम दोनों ही मुकाबले दोनों ही टूर्नामेंट बड़े ही शाही अंदाज से जीते। फिलहाल इस वीडियो में इतना।